नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त भरत जांगिड और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। दोस्तों आज की वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल। आज का वीडियो हमारा होने वाला है वॉशिंग मशीन के बारे में, जो कि आप देख पा रहे हैं। इस वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर है वो बंद है, तो उसको किस टाइप से चेक करना है, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, तो पूरी नॉलेज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर हमने सीरीज का जो टेस्टिंग बोर्ड है उसको ले लिया है और सीरीज के अंदर हमने मशीन का प्लग लगा दिया है। स्पिन का जो टाइमर है ऑन कर दिया देखिए, और जो सीरीज का बल्ब है हमारा ग्लो कर गया है, तो यानी कि सीरीज के अंदर कंटिन्यूटी आ रही है। सप्लाई हमने डायरेक्ट कर दिया है। यहाँ पर सप्लाई को डायरेक्ट करने के बाद में हमारा जो मोटर है वो घूमना चाहिए, यानी कि स्पिन की जो मोटर है हमारी वो वर्क करनी चाहिए यहाँ पर। तो कंटिन्यूटी आने के बाद भी दोस्तों जो ड्रायर है ये हमारा काम नहीं कर रहा है, और ये देखिए जाम भी नहीं है। और यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर इसको देखिए सीरीज करेंगे, कंटिन्यूटी बिल्कुल इसकी कंटिन्यू आ रही है यहाँ पर दोस्तों। बाकी ड्रायर है जो हमारा बिल्कुल चल नहीं रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके बाद में स्पिन टाइमर को हम ऑफ कर देंगे, और ये वॉश टाइमर है इसको भी यहाँ पर हम वॉश को भी चेक करेंगे। ये देखिए कंटिन्यूटी इसकी भी आ रही है, और ये देखिए यहाँ पर डायरेक्ट सप्लाई देने के बाद में जो वॉश का जो हमारा पल्सेटर है घूम रहा है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ घूम रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है हमारा जो इसका वाशर है, वाशर टब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। चलिए यहाँ पर ऑफ करेंगे सीरीज के अंदर से, और इसको हम कंप्लीट चेक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों ये देखिए प्लग को हमने निकाल दिया है सीरीज बोर्ड से, और इसके बाद में मशीन को हमें खोलकर चेक करना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा नॉलेज आपको मिल जाएगा कि वॉशिंग मशीन को किस टाइप से खोलना है, ड्रायर को, मोटर को क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है, किस टाइप से आपको चेक करना है। तो वीडियो बिल्कुल पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। सबसे पहले हमने मशीन का बैक कवर खोल दिया है। उसके बाद में दोस्तों ये देखिए कनेक्शन की जो पोर्ट ली है यहाँ पर, जो कि पॉलोथीन से पैक की हुई है कम्प्लीट, इसको यहाँ पर हम खोल लेंगे। स्पिन मोटर के जो तीन वायर है हमारे, सबसे पहले उनको यहाँ पर अलग कर लेंगे, और तीनों वायरों को यहाँ से ये देखिए जो कनेक्शन के ऊपर कैप लगे हुए हैं, तीनों कैप निकाल कर, और जो हमारे स्पिन मोटर के कनेक्शन है तीनों वायर ब्लू, रेड और ब्लैक, तीन वायर इसमें दिए हुए हैं। वॉशिंग मशीन है हमारी माइक्रोमैक्स कंपनी का। तो सीरीज का जो बोर्ड है हमने यहाँ पर ले लिया है, और तीनों जो कंटिन्यूटी इनकी आनी चाहिए, तो यहाँ पर सीरीज के अंदर हम चेक करेंगे। ब्लैक इसका कॉमन है, ये देखिए ब्लैक लगाने के बाद में ब्लू के साथ ब्लैक से कंटिन्यूटी आ रही है, और ब्लैक के साथ रेड से इसकी कंटिन्यूटी यहाँ पर बिल्कुल नहीं आ रही है। तो दोस्तों जो रेड वायर है इसका बिल्कुल कंटिन्यू नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जो मोटर है हमारी रन नहीं कर रही है यहाँ पर। तो दोस्तों कंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं आ रही है रेड वायर से, जिसकी वजह से हमारी मोटर है, ये देखिए ब्लू की कंटिन्यूटी यहाँ पर आ रही है। तो मोटर के अंदर ही हमारा प्रॉब्लम है, तो मोटर को हमें बाहर निकालना होगा, खोलना होगा। चलिए मोटर को खोल लेते हैं। सबसे पहले जो वेस्ट पाइप है इसको निकाल देंगे, मशीन को उल्टा रख लेंगे यहाँ पर। वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया है, ये देखिए जो मोटर की ब्रेक वाली जो वायर है उसको निकाल दिया है, और जो हमारा ये देखिए स्पिन टब लगा हुआ है उसकी जो शाफ्ट है स्पिन टब की, उसका बोल्ट जो यहाँ से स्पिन मोटर की पुली से खोल दिया है। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए थोड़ा टाइट है, तो आप यहाँ पर इस टाइप से पाइप रिंच का यूज़ कर सकते हैं पुली के अंदर, और ऊपर से इसको टब को घुमाएंगे तो आपकी जो शाफ्ट है फ्री हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी काफ़ी आसानी से। जो ये देखिए उसके बाद में आपको जो वॉश मोटर का गेयरबॉक्स के ऊपर फैन बेल्ट लगी हुई है उसको हमने निकाल दिया है, और सभी जो स्क्रू हैं साइड में लगे हुए हैं इसके, उन सभी स्क्रू को खोल देंगे। उसके बाद में दोस्तों ये काफ़ी ध्यान रखना है, आपको नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दो स्क्रू ज़्यादातर हर एक मशीन के अंदर मिलते हैं, उनको यदि नहीं खोलेंगे तो आपका जो मशीन है नीचे से अलग नहीं होगा। ये देखिए जो हमारा ड्रेन वेलो है उसकी बेल्ट को भी हमने यहाँ पर निकाल दिया है। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए इसको निकालना काफ़ी ज़रूरी है, और इसके बाद में जो पूरा ये देखिए पूरा का पूरा नीचे का जो पार्ट है मशीन का, मोटर सहित यहाँ पर अलग हो गया है, इसको रख लेंगे सीधा। इसके बाद में काफ़ी आसानी से हम मोटर को चेक कर पाएंगे, खोल पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जो ऊपर से ब्रेक की वो पत्ती लगी हुई है इसकी, ये देखिए इसको यहाँ पर निकाल दिया है। मार्किंग ज़रूर कर लेंगे ताकि जो मोटर का डायरेक्शन आपका यहाँ पर फिटिंग करते समय खोलते समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये देखिए ब्रेक वगैरह आपके प्रॉपर तरीके से वापस सेट हो जाएंगे। और ये देखिए जो लैग नहीं निकालेंगे हम, क्योंकि लैग निकालने में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हम इसको मोटर को ही निकाल लेंगे। तो मोटर ये देखिए जो अर्थिंग का वायर लगा हुआ है इसको भी यहाँ पर हमें खोलना होगा।
ये देखिए अर्थिंग का वायर खोल दिया है और मोटर हमारी बिल्कुल अलग हो चुकी है। चलिए मोटर को रखते हैं एक साइड में और मशीन को नीचे से वापस हम पैक कर देंगे क्योंकि मोटर में टाइम लगने वाला है। देखते हैं, क्योंकि आज तो ये मशीन हमारी कंप्लीट हो नहीं पाएगी, तो यहाँ पर मशीन को हम थोड़ा सामान पूरा यहाँ पर रख देंगे, पेच वगैरह सब। और ये देखिए मशीन को यहाँ पर खड़ा रख लेंगे और जो मशीन के सभी जो यहाँ पर पार्ट हैं, मशीन को थोड़ा साइड में रखने के बाद में ये देखिए फैन बेल्ट और इसके जो स्क्रू हैं, ये जो इसका स्पिन डोर है ये भी टूटा हुआ है तो इसको भी हम रिपेयर करेंगे। और ये बैक कवर है इसको भी यहाँ पर रख देंगे। ये वेस्ट पाइप है इसका, इसको भी यहाँ पर सबको इकट्ठा करके यहाँ पर मशीन को साइड में रख देंगे। दोस्तों इस मोटर का कंप्लीट रिपेयरिंग का वीडियो काफ़ी जल्दी आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।